हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं AI Your Creations। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे इसको यूज़ करें, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों, जो ये लाइट है ये मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। ये एक एडिशनल लाइट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी तरह के टू व्हीलर में। और मेनली जो ये लाइट है ये यूज़ होती है आपकी मोटरसाइकिल में, आप अपनी बाइक में ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी रोशनी है और काफ़ी दूर तक इसकी रोशनी जाती है। विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है आपकी रोड पे जब आप ऑफ रोडिंग या किसी भी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये लाइट जो मैंने परचेज़ किया है ये मैंने सेकंड टाइम मंगाई है। इससे पहले जो मैं लाइट यूज़ कर रहा था वो मैंने अपनी दूसरी बाइक में लगाई थी। अब मैं जो अपनी ये लाइट इंस्टॉल करूँगा, ये FZ यामा की FZ बाइक है उसमें इंस्टॉल करूँगा, और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने ये सेकेंड टाइम परचेज़ की है। और तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं दिखा देता हूँ ये लाइट देखने में कैसी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बाइक में इंस्टॉल करके इस लाइट को, और उसके बाद आपको इसकी रोशनी दिखाऊंगा कि इसकी रोशनी कैसे दिखती है जब आप रोड पे अपनी मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं। ये लाइट आपको 6 महीने की वारंटी के साथ मिलती है। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करने के बाद पसंद नहीं आता है तो इसमें आपको रिटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है अमेज़ॉन पे। और ये लाइट बहुत ही अच्छी है, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये ड्यूअल कलर में, ड्यूअल रोशनी में आती है। इसमें आप चाहें तो इसको येलो रोशनी के साथ यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये वाइट रोशनी भी फेंकती है। दो तरह की ये रोशनी फेंकती है। स्पेसिफिकेशन में आपको बता दूँ, ये कंज्यूम करती है 1.3 एम्पियर करंट। वोल्टेज की अगर बात करूँ तो ये DC करंट पे आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी पे काम करता है, और जो इसकी वोल्टेज रेंज है वो 9 वोल्ट से लेकर 9 से 36 वोल्ट के बीच इसकी वोल्टेज रेंज है। और ल्यूमिनस की अगर बात करूँ तो 3000 ल्यूमिनस इसका जो टेम्परेचर है, कलर टेम्परेचर है लाइट का, वो है। तो देखिए दोस्तों, ये लाइट हमें कुछ ऐसे मिलती है, और इसके साथ ही साथ आपको ड्राइवर भी मिलते हैं। इसमें ड्राइवर ऑलरेडी लगे हुए हैं, और ये आपकी लाइट है, और ये देखने में बहुत ही छोटी है लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है, जो रोशनी है, वो बहुत दूर तक है। और इस साथ ही साथ इसके पीछे कूलिंग के लिए इसमें फ़ैन भी दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें 3 वायर आती हैं। जो ये ब्लैक वाली है ये आपकी नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव के साथ अब जब येलो यूज़ करेंगे तो येलो रोशनी आएगी, और नेगेटिव के साथ अब जब रेड वायर यूज़ करेंगे तो वाइट रोशनी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है अपनी लाइट, और एक बार मैं आपको, ये मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, UPS की बैटरी है, 12 वोल्ट पे काम करती है DC पे। तो मैं इसमें आपको एक बार इसकी रोशनी चेक करा देता हूँ कि कैसी रोशनी है। वायर एक्सटेंड करने के लिए ब्लैक वायर में कनेक्ट कर दिया है। ये पूरी वायर नेगेटिव है, ये आपकी माइनस में आएगी। आप ये मत देखिएगा कि ये रेड है तो ये पॉजिटिव में आएगी। ये सिर्फ मेरे पे रेड कलर का पीस था वायर का, तो मैंने ब्लैक में लगा दिया है। ये आपकी माइनस में जाएगी बैटरी के, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लैक है, और जो ये येलो और रेड है ये दोनों आपकी अलग अलग कलर की वायर्स हैं। ये आपका कॉमन है ब्लैक, तो इसको मैं माइनस, बैटरी के माइनस में लगा देता हूँ। ये बैटरी का माइनस है तो ये मैंने यहाँ लगा दिया। इसके बाद पहले मैं आपको येलो वाली वायर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, येलो मैंने यहाँ पर लगाई और ये लाइट ग्लो करने लगी है। इसकी रोशनी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छी रोशनी है। इसमें पीछे कूलिंग के लिए ये फ़ैन लगाया है यहाँ पर। इसकी मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, अगर आप माइक में इसकी आवाज़ आ जाए तो। देखिए दोस्तों, ये इसके पीछे कूलिंग के लिए फ़ैन भी लगा हुआ है, और जब आप येलो वाली वायर पॉजिटिव में लगाते हैं तो ये येलो रोशनी इसमें से निकलती है, जब आप इसमें रेड वायर लगाएंगे तो ये वाइट कलर की जलेगी। तो आने वाले कुछ दिनों में सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फॉग होता है हिली एरियाज़ में, या हाईवे में आप ट्रैवल करते हैं तो आप ये येलो वाली लाइट यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए मोटर बाइक हाईवे पे या रोड पे चलाना। और ये जो येलो लाइट होती है कोहरे को काटती है और विजिबिलिटी बढ़ा देती है राइडर के लिए। और साथ ही साथ इसमें जो वाइट रोशनी जलेगी वो इस वाली वायर, जो दूसरी वायर रेड वाली उससे जलेगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये वाली रेड वायर अब मैं पॉजिटिव में लगाता हूँ। ये जैसे ही मैंने पॉजिटिव में लगाई, बैटरी की वाइट कलर में जलने लगी है। ये देखिए, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छी है। और कमाल की बात यह है, साइज़ देखिए आप कितना सा है, लेकिन रोशनी बहुत ही तेज़ है। और अगर इसको
पीछे से देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें, ये एल्युमिनियम में बनाई गई है और जो ये प्रोजेक्टर की तरह काम करती है लाइट, जो आगे इसमें लेंस दिया है ये एक प्रोजेक्टर की तरह बीम फेंकता है। ये देखिए मैं छत पे जैसे इसकी रोशनी मार रहा हूँ, ये देखिए एकदम स्क्वायर टाइप में ये बनेगा, इस तरीके से ये रोशनी जाएगी। अभी ये सिर्फ एक लाइट है, ऐसी जब दो लगेंगी तो आप सोचिए कितनी रोशनी होगी। तो चलिए अब मैं इसको लाइट को अपनी मोटर बाइक पे लगा देता हूँ। इस तरह की लाइट्स को मोटर बाइक में कैसे कनेक्ट किया जाता है ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये लाइट दिखाऊंगा और इसका रिव्यू दूंगा कि ये लाइट कैसी है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे इंस्टॉल की जाती है इस तरह की लाइट, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसके साथ पूरे आपको किट में आपको नट बोल्ट मिलते हैं, ये एलन की मिलती है इसको कसने के लिए, और इस तरह के क्लैंप्स मिलते हैं आपको ये लेग गार्ड में लगाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगी आपकी लाइट, ये इस तरीके से यहाँ पर कस जाएंगे नट बोल्ट, एक इधर एक इधर, और जो ये नीचे का है ये आपका लेग गार्ड में ऐसे करके नट बोल्ट के हेल्प से लग जाएगा, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए एक बार मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मोटरसाइकिल में इसको इंस्टॉल कर दूंगा। वायरिंग अगर आप जानना चाहते हैं कंप्लीट वायरिंग इस लाइट की, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल मैं आपको आज इसकी रोशनी दिखाऊंगा। अगर आपको ये लाइट पसंद आती है तो आप भी अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, अगर जल्द से जल्द खरीद लें इस लाइट को, क्योंकि इस पे डिस्काउंट चल रहा है और आजकल सेल चल रही है जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, तो बहुत ही कम रेट पे ये मिल रही है। ये लाइट इसका एक्चुअल 1500 है इसका प्राइस, और आजकल ये 999 की आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसकी असेंबली कंप्लीट हो गई है। अब ये सिर्फ हमको माउंट करने और इनके वायर्स के कनेक्शन देने हैं। जो मेरी मोटरसाइकिल में लाइट लगी है फॉग लैंप्स, वो हमें निकालने हैं और ये लगा देने हैं, बहुत ही इजी है। इसकी वायरिंग की कंप्लीट अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डिटेल, या फिर मैं एक और डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं इनकी रोशनी। तो गाइज़ ये है मेरी बाइक, इसमें ऑलरेडी ये वाली लाइट लगी है, एक तरफ ये लगी है और दूसरी तरफ ये प्रोजेक्टर लगा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हम इन पुरानी वाली लाइट को अनइंस्टॉल करेंगे, ये हटाएंगे, इसकी जगह जो हमने लाइट ऑर्डर की थी जो मंगाई है वो वाली इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, एक बार ये वाली निकालेंगे और जो इसके कनेक्शन हैं वायरिंग के वो ऑलरेडी हुए हैं। पुरानी वाली लाइट को यहाँ से डिसकनेक्ट करना है और नई वाली हम इस पर इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए गाइस दोनों तरफ लाइट इंस्टॉल हो गई है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ हमने ये लाइट इंस्टॉल कर दी है, और अब रात होने के बाद मैं इसकी रोशनी दिखाऊंगा कि इसकी ब्राइटनेस कैसी है। सो गाइस फाइनली रात हो चुके हैं, तो चलिए मैं इसकी रोशनी आपको दिखा देता हूं। जो ये हमने लाइट इंस्टॉल की है बहुत ही तेज इसकी ब्राइटनेस है, ये देखिए दोस्तों कितना ही वाइड और क्लियर इसमें आपको दिख रहा है, और ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं फॉग लैंप ये थोड़े से एडजस्ट करता हूँ, ऊपर को करता हूँ, तो देखिए ये डाउन कर दिया मैंने, अगर ऊपर को करता हूँ तो ये और दूर तक जाएगा।
ये देखिए। और अगर मैं अपनी हेडलाइट भी ऑन करता हूँ, ये मेरी हेडलाइट है, मेन जो मेरी मोटरसाइकिल की लाइट है वो ये है, और जो प्रोजेक्टर लैंप हैं उनकी रोशनी ये है। एक बार मैं ऑफ़ करता हूँ, ये ऑफ़ किए, ये ऑन किया, ये ऑफ़ किया, ये ऑन किया। दोस्तों अगर आप इस लाइट को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस लाइट का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप अपनी कम रोशनी से, मोटरसाइकिल की कम रोशनी से परेशान हैं तो इस लाइट को एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। मैं जल्द लौटूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।